फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएमसी इंदौर। मैं साक्षी आप सभी का सीएमसी इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए एक और गुड न्यूज है, क्योंकि आ गई है एक और नई वैकेंसी। तो आइए जानते हैं कि कौन इस वैकेंसी में एप्लीकेबल है, कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है और क्या क्या इसके क्राइटेरिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वैकेंसी किस स्टेट में आई है ये जानते हैं। तो ये वैकेंसी निकाली है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा। यहाँ पर अगर बात की जाए तो ग्राम पंचायत अधिकारी की ये वैकेंसी है, जिसमें इसका जो फॉर्म फिल किया जा सकता है वो किया जा सकता है 23 मई से। फ्रेंड ध्यान देना, 23 तारीख से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे और फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 12 जून 2023। मतलब कि आपके पास कम टाइम है, लास्ट डेट के लिए आपको बिल्कुल नहीं बैठना है, फॉर्म पहले ही दिन से भरना शुरू कर देना है, क्योंकि लास्ट टाइम क्या होता है, सर्वर डाउन होता है। ओके, और इसमें आप करेक्शन करने के लिए आपको 7 दिन का टाइम दिया गया है, 19 जून तक आप क्या कर सकते हो, इसमें करेक्शन कर सकते हो। और एक बार अगर आपने फॉर्म को सबमिट कर दिया है, और अंतिम तिथि क्या है, 12 जून, इसके बाद आप कोई भी फॉर्म नहीं फिल कर सकते, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। उसके बाद अगर बात की जाए तो करेक्शन के लिए भी आपको 7 डेज दिया गया है, जिसमें आप अपना नाम, पिता का नाम, पति का नाम, कोई भी अगर आपकी नाम स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप इसमें क्या कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो। एक बार अगर आपकी चीज़ों में करेक्शन नहीं हुआ और वहाँ पर अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में मैच नहीं हुआ, तो आपकी दावेदारी को क्या कर दिया जाता है, हमेशा निरस्त कर दिया जाता है, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो। जैसे कि आपका नाम, मान लो मेरा नाम साक्षी है, मेरे नाम की स्पेलिंग में मान लो लास्ट में आई आना है और वहाँ पर गलती से फॉर्म में आई नहीं लिखा है और मेरे डॉक्यूमेंट्स मिसमैच होंगे, तो वहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, मेरी दावेदारी को निरस्त कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान देना कि आपकी हर एक चीज़ में, चाहे वो पिता का नाम, जैसे कि आपका नाम लिखा, पिता का नाम लिखा है मान लो X/Z, बीच में बाय आता है आपके आधार कार्ड में और आपके किस में, फाइनल मार्कशीट में। ओके, X/Z आपके पिता का नाम है, बीच में क्या आ रहा है, बाय। जैसे अगर आपके आधार कार्ड में और आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपके 10th और 12th की मार्कशीट है, वहाँ पर भी X/Z लिखा हुआ है, लेकिन आप फॉर्म फिल कर रहे हो और आपने X और Z लिखवा दिया, बीच में बाय नहीं लिखवाया, तो वहाँ पर भी इस बेस पर भी आपकी दावेदारी को क्या कर सकते हैं, निरस्त कर सकते हैं। तो छोटी छोटी सी गलतियों को भी आपको ध्यान रखना है, इसीलिए फॉर्म भरे बहुत ध्यान से भरे और साथ ही तुरंत ही करेक्शन करवा लें अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं से मेरे डॉक्यूमेंट्स में मिसमैच हो रहा है। सिर्फ इन्हीं बेसिस पे भी क्या कर देते हैं, कभी कभी दावेदारी को निरस्त कर दिया जाता है सिलेक्शन होने के बाद भी। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो वैकेंसी है वो ग्राम पंचायत अधिकारी की वैकेंसी है और पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के अधीन क्या निकाला गया है, इस वैकेंसी को निकाला गया है। यहाँ पर अगर टोटल पोस्ट की बात की जाए, फ्रेंड्स टोटल पोस्ट कितनी है, तो 1468 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। और फॉर्म कैसे फिल किए जाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म इसमें फिल किया जाएगा। अब जानते हैं कि इस वैकेंसी को फिल कौन कौन कर सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देना कि जिन्होंने ग्राम पंचायत अधिकारी मुख्य परीक्षा, ये पहले तो मुख्य परीक्षा है, इससे पहले क्या हो चुका था, अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग कैसे हो चुकी थी, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा आयोजित की गई थी, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट PET 2022 का क्या किया गया था, आयोजन किया गया था, अगर आप उसमें क्वालिफाई हुए हों उसका स्कोर कार्ड लगेगा यहाँ पर। इसके बाद क्या किया जाएगा, अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, PET के सम्मिलित हुए हों स्कोर कार्ड लगेगा, और फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, जो वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज स्कोर में से अगर आपने 0 या नेगेटिव मार्किंग आपकी हुई है तो आपको यहाँ पर सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर स्कोर कार्ड के बेस पर क्या किया जाएगा, आपको नेक्स्ट लेवल जो परीक्षा होगी, मेंस एग्जाम इसका होगा। तो मेंस एग्जाम वो भी किसका, ग्राम पंचायत अधिकारी मेंस एग्जाम जो होगा उसी के लिए आपको क्या किया जाएगा, यहाँ पर एलिजिबल माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें कि यहाँ पर अभ्यर्थियों को क्या किया जाएगा, यहाँ पर अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षाओं में आवेदन के लिए कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार से आयोग क्या क्या डिसीजंस लेगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या किया जाएगा, आप upssc.gov.in के माध्यम से जाकर क्या कर सकते हो, फॉर्म को ऑनलाइन फिल कर सकते हो। ओके, अगर यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया सारी कहाँ पर, upssc.gov.in के होम पेज पर आपको दी गई है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, जो जैसे कि ये जो विज्ञापन है वो मैं समझा रही हूँ आपको, ये उन्होंने क्या बोल रहा है, ये उसको पढ़ने का बोल रहा है, बहुत ही अच्छे, भली भांति पढ़ ले उसको, एक बार समझ ले, उसके बाद ही क्या करें, इस फॉर्म को फिल करें। यहाँ पर अभ्यर्थियों को बोला गया है कि सही तरीके से पढ़े, और अगर आप शैक्षिक अर्हता है उसके लिए तो आप क्या करो, इस फॉर्म को फिल करो। और आवेदन कब से शुरू होंगे, आवेदन करने की अंतिम तिथि है 12 जून 2023। ओके,
और आरक्षण में जो छूट दी गई है वो आपको यूपी जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जो नियम है, नियमावली है, उसी के अधीन आपको क्या दी जाएगी, छूट दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर EWS के रूप बारे में साफ मेंशन है कि आपको क्या करना है, 1 अप्रैल 2023 से 12 जून 2023 के मध्य में EWS का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, जो कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बना हो और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मान्य हो। तो आप क्या कर सकते हो, आप इस फॉर्म में बिल्कुल लगाओ और यहीं तक का EWS आपका मान्य होगा, अदरवाइज जो आपका पुराना EWS बना है वो यहाँ पर मान्य नहीं होगा। और विज्ञापन पदित के लिए केवल एक ही आवेदन करना है, बार बार इसको आवेदन को नहीं करना है। और यहाँ पर क्या किया जाएगा, लॉगिन कैसे होगा, तो आपने जो पैट दिया था, पैट का रजिस्ट्रेशन नंबर लगेगा, उसके बाद आपका OTP आएगा ईमेल पर, तो वहाँ से आपका क्या होगा, पूरा का पूरा लॉगिन हो जाएगा। व्यक्तिगत विवरण में आपको क्या देना है, पैट का रजिस्ट्रेशन नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, उत्तर प्रदेश का निवासी होने का संबंधी विवरण, डोमिसाइल अगर आप यूपी के निवासी हो, ओके, ये करके आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर लॉगिन कर सकते हो और OTP के माध्यम से भी आप इसमें लॉगिन कर सकते हो। अब एप्लीकेशन करना है, एप्लीकेशन करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे नाम, पिता या पति का नाम, माता का नाम, यूपी का निवासी हो, EWS श्रेणी में हो, क्षैतिज आरक्षण हो, जन्मतिथि, जेंडर, वैवाहिक स्थिति, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल, सबके बारे में क्या होना चाहिए, आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। उसके बाद अभ्यर्थी शैक्षणिक धारण करने के संबंध में यस और नो विकल्प का चयन करने के उपरांत आपको क्या करना है, यूनिवर्सिटी का नाम बताना है, आपने किस ईयर में क्वालिफाई किया है, जैसे अभी 2023 चल रहा है तो आपने 2023 में क्वालिफाई किया है कि 2022 में क्वालिफाई किया है, तो क्वालिफिकेशन का ईयर, सर्टिफिकेट या रोल नंबर, उसके बाद अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि और प्राप्तांक, ये सब आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। उसके बाद एंटर वेरिफिकेशन कोड, फोटो, सिग्नेचर, ये सब आपको देना पड़ेगा, ओके। और आपने यहाँ पर जो सभी इन्फॉर्मेशन दी है, फिर उसके बाद पेमेंट करोगे तो फाइनल पेमेंट हो जाएगा, उसके बाद आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। और फीस की जो रिसिप्ट होनी है वो आपको अपने पास सबमिट करके रखनी है, क्योंकि बाद में मांग ली जाती है, ओके। फीस सबमिट करने के बाद आपको उसका प्रिंटआउट भी यहाँ पर निकाल लेना है, क्योंकि इन्होंने साफ मेंशन किया है भाई, प्रिंटआउट निकाल लेना, बाद में कुछ नहीं हो पाएगा, ओके। क्योंकि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 के रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लॉगिन कर शुल्क का भुगतान कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन करके डायरेक्ट शुल्क का भुगतान कर सकते हो, और अंतिम तिथि के बाद कोई भी आपका शुल्क जमा नहीं कर पाएंगे, मतलब आप आवेदन ही नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर आपकी फीस कितनी लगेगी, देखो फीस पर ध्यान दो, SC ST OBC EWS सबकी 25 रुपीज क्या लगेगी, यहाँ पर फीस लगेगी, और ऑनलाइन की आवेदन शुल्क प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25। तो भाई फीस बहुत ही कम है, आराम से आप अगर क्वालिफाई हो तो आप क्या कर सकते हो, इस मेंस एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो, बहुत ही कम फीस है फ्रेंड्स। इतने में तो आप कुछ भी चाट पकौड़ी खाया हो, है ना, फॉर्म फिल करना है बस, उसके बाद क्या करना है, आपको एग्ज़ाम देने जाना है, फॉर्म का प्रिंट आउट ले लो। उसके बाद आवेदन पत्र में संशोधन फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है, संशोधन के बाद सिर्फ 7 दिन तक आप संशोधन कर सकते हो, उसके बाद आवेदन पत्र में कोई भी संशोधन यहाँ पर नहीं किया जाएगा, ओके। भरा हुआ फॉर्म, अब उसके बाद संशोधन किस में हो सकता है, यदि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है नाम में, पिता या पति के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है, आपका जो घर का पता है, एड्रेस है, डाक का पता, वो फॉल्स, वो उसमें चेंज कर सकते हो, EWS या आरक्षण की श्रेणी में कोई चेंज करना है वो कर सकते हो, उसके बाद जाति की श्रेणी, जेंडर, और उसके बाद आवेदन में अनिवार्य जो अर्हता मांगी गई है उसका जो विवरण है उसमें कोई गलती है तो वो भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर चेंज कर सकते हो। यहाँ पर पदों के बारे में बात की जाए तो टोटल पद कितने हैं, देखो यहाँ पर 1468 पद, टोटल 1468 पोस्ट है और स्थाई है, मतलब ये प्रोविजनल वैकेंसी नहीं है कि आपसे संविदा पर पहले काम कराएंगे फिर उसके बाद स्थाई करेंगे, ऐसा नहीं है, ये कैसी वैकेंसी है, स्थाई वैकेंसी है, जिसमें जनरल की है 849, SC की 356, ST की 7, OBC की 139 और EWS की 117 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई हैं, ओके। तो ये सारा पूरी की पूरी आपको वैकेंसी है। उसके बाद आरक्षण के बारे में प्रावधान दिया गया है कि किसको कितना आरक्षण दिया जाएगा, महिलाओं को, SC ST OBC को, तो राज्यवार क्या दिया गया है आरक्षण। अब अर्हताओं की बात करते हैं, तो देखो अनिवार्य जो आपको कंपलसरी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस अर्हता में माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा, मतलब आपके पास क्या होना चाहिए, 12th, या फिर सरकार या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त आपने क्या है कोई भी एग्जाम दिया हो। इसके बाद NIELIT पहले डोएब संस्था द्वारा प्रदत्त कंप्यूटर में आपके पास क्या हो, CCC प्रमाण पत्र हो। और अधिमानी अर्हता क्या है, जैसे कि एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, अगर
सेना में आपने न्यूनतम 2 साल काम किया हो, या फिर एनसीसी का आपके पास बी सर्टिफिकेट हो, या फिर आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से हो, अन्य सभी भर्ती के मामले में सीधी जो भर्ती होगी उसके मामले में आपको क्या दिया जाएगा, यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी अगर एनसीसी है, इसके अलावा सेना में 2 साल काम किया है या फिर ग्रामीण पृष्ठभूमि है। एज की बात की जाए तो यहाँ पर जिनकी एज 18 साल से 40 साल तक की एज है वो क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप 18 साल से 17.5 के भी हो तो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते, आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि साफ यहाँ पर 18 साल से 40 साल तक यहाँ पर क्या है, एज दी गई है। ओके, अब इसके अलावा जिनको रिजर्वेशन है उनको क्या दिया जाएगा, एज में यहाँ पर बोला जाएगा कि सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाएगी, यहाँ पर इन्होंने अभी मेंशन नहीं किया है, लेकिन एज में आपको क्या दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा। ओके, चयन का आधार आपका क्या रहेगा, चयन का आधार आपका रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा, और जो सिलेबस है सिलेबस आपका अलग से यहाँ पर निकाला जाएगा, अभी सिलेबस के बारे में नोटिफिकेशन में कुछ भी नहीं दिया गया है। ओके, लिखित परीक्षा आपकी आयोजन की जाएगी, और उसके बाद आपको जो महत्वपूर्ण अनुदेश है उसमें ये दिया गया है कि जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं उन्हें आरक्षण का लाभ मान्य नहीं होगा, ऐसे लोगों को कैसे माना जाएगा, अन आरक्षित श्रेणी में माना जाएगा, मतलब आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं ओके, लेकिन आपने उत्तर प्रदेश से 12th कर लिया हो, इसके बाद उत्तर प्रदेश से ही आपने क्या करा है, उत्तर प्रदेश का जो पैट एग्जाम है आपने क्वालिफाई किया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, या पैट क्वालिफाई किया तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, है ना। अगर पर आपको यहाँ पर जनरल कैटेगरी से क्या करना पड़ेगा, जनरल कैटेगरी से फाइट करना पड़ेगा। ओके, इसके बाद एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, देखिए फ्रेंड्स पॉइंट है कि अगर आपने आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख, मतलब सबसे पहले अगर आपने डेट ऑफ बर्थ का उल्लेख नहीं किया है, अगर डेट ऑफ बर्थ को गलत बता दिया है, या फिर जो आपसे बेसिक क्वालिफिकेशंस जो मानी गई थी, न्यूनतम अर्हता जो मांगी गई थी वो आपने गलत जानकारी दी है, तो आपको क्या कर दिया जाएगा, अभ्यर्थन मतलब आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और इसके अलावा साफ साफ यहाँ पर मेंशन है कि अगर अभ्यर्थी क्या करे, अपने पत्र में गलत तथ्यों को जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती देने पर आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित किया जा सकता है। इसका अर्थ होता है कि अगर आपने कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया है तो आयोग के कोई भी जो नेक्स्ट एग्जाम होंगे या भविष्य में कोई भी एग्जाम होगा आपको क्या कर दिया जाएगा, वहां से रस्टिकेट कर दिया जाएगा। रस्टिकेट का मतलब एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि आपको वहां पर बैन कर दिया जाएगा, आप उस फॉर्म को क्या नहीं कर सकते, आप उस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। पहले तो आपने जो पिछले दी है वो जाएगा, आगे का है वो भी जाएगा, तो कृपया करके कोई भी अपनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन ना दे, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है, जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन है, ये कंप्लीट था। ओके, अगर आपको इसकी फुल नोटिफिकेशन की पीडीएफ चाहिए तो सीएमसी इंदौर व्यापम का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी, और अभी जस्ट वीडियो के एंड में ही आपको पीडीएफ अवेलेबल मिल जाएगी। ओके, और आपको क्या करना है, आपको इस वैकेंसी को लेकर कोई भी डाउट है तो आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना है कि आपको किस किस तरीके के डाउट है, तो आपके डाउट्स का बिल्कुल आंसर किया जाएगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर बिल्कुल करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।